अरे यार ये भी खराब हो गया। क्या किस्मत है मेरी, बड़ी सी बिल्डिंग में मुझे बड़े शान और शौकत से बनाया गया, शीशे के फर्श पे बड़े प्यार से सजाया गया। अरे ये कौन बोला? पहचाना नहीं? मैं वही, तेरा हम सफर, तेरा हम कदम, तेरा हम राही, तेरा जूता। जूता? हाँ हाँ, मैं वही जूता जिसके साथ तेरा अनकहा अनजाना सा बंधन है। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में, कैसा है ये बंधन अनजाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। यार तू मुझसे इतना नाराज क्यों है? मैंने तो तुझे सारा जहां घुमाया, ताजमहल, मार्केट, मंदिर ले गया, पर तू कहां पे एहसान मानता है? तू तो सिर्फ रोना जानता है। अच्छा जी, गया था मुझे ताजमहल दिखाने, खुद अंदर चला गया और मुझे बाहर छोड़ा। अरे तेरी। और तो और, पहले तो मार्केट में मुझसे छोटे छोटे कीड़े मरवाए, पाप करवाए, और जब जब तू पाप धोने मंदिर जाए, खुद तो अंदर जाए, मुझे सीढ़ियों पे छोड़ा है। लेकिन फिर भी जब जब तूने मेरी डोर खींची, मैं तेरे पास खींचा चला आया। एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए, कच्चे धागे में बंधा चलाए, ऐसे जैसे कोई हो, ऐसे जैसे कोई दीवाना, ऐसे जैसे कोई दीवाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजान, है ये बंधन अनजाना, अनजाना, अनजाना। हम जब तक काम के होते हैं, तुम इंसान हमें साथ में रखते हो, जब हम काम के नहीं होते हमें फेंक देते हो। हे इंसान, हमसे कम इतना तो सीख ले, हम जूतों की दुनिया में प्यार होता है, अपनापन होता है, मेल मिलाप होता है। क्या बात है! अगर हमारा साथी जूता खो जाए तो उसके बिना हम एक कदम भी नहीं चलते। तुम इंसानों की तरह हम पार्टनर नहीं बदलते। ओह गॉड! अरे यार, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, अनजाना। ये क्या सिखा रहे हैं, क्या सिखा गए, क्या समझा गए, क्या दिखा गए, एक बार जोरदार तालियां बजाओ एवरीबॉडी। जब एक्ट शुरू हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा किस दिशा में जा रहा है, क्या कहना चाह रहा है, कुछ तो कहना चाह रहा है, लेकिन जो लास्ट में हथौड़ा मारा ना तुमने, वो मतलब माइंड ब्लोइंग था यार। अगर हमारा साथी जूता खो जाए तो उसके बिना हम एक कदम भी नहीं चलते, तुम इंसानों की तरह हम पार्टनर नहीं बदलते। बहुत बड़ी सीख है। एंड व्हाट थॉट, क्या गाना! मैं सच्ची में पूरे समय ना मैं अपने आप को सोचता हूँ यार, मैं फिल्में देखता हूँ, आगे का सोच लेता हूँ, समझ जाता हूँ, कहानियाँ पढ़ लेता हूँ, लिखता हूँ। विवेक तुम हर बार चौंका देते हो मुझे। तेरे मेरे और ब्यूटीफुल थॉट, वेरी नाइसली डन, और सन आई एम टू इम्प्रेस्ड, अमेजिंग, सुपर। आप इतने दुखी क्यों हो मामा जी? मैं सोच खत्म हो गई है,
एक ना अलंकार होता है जिसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं, मानवीकरण, कि निर्जीव चीजों में भी जान है। तो मुझे लगता है किताबों में, सिलेबस में ना इस अलंकार का उदाहरण विवेक का एक्ट पढ़ाना चाहिए। क्या बात, करेक्ट। ये बताता है क्या होता है सच। थैंक यू मैम। जिस तरीके से उसने जूते को पर्सोनिफाई किया है, बहुत मुश्किल है यार, इसके बारे में सोच भी नहीं सकता बंदा। एक डोर खींचे दौड़ा चलाए। मुझे पता नहीं इस बात को बोलना चाहिए टेलीविजन पे कि नहीं, बट मुझे ऐसे लगता है कि जरूरी है। तो एक्ट शुरू होने से पहले टीम के एक बंदे ने आके मुझसे कहा कि टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से हमको इस एक्ट को लास्ट मिनट चेंज करना पड़ा। तो मैं प्रिपेयर थी कि शायद थोड़ा सा आधा पका हुआ एक्ट दिखाने वाले हैं हमको। ये बिल्कुल ही आधा पका हुआ नहीं था। और लास्ट मिनट अगर आप ये पेश कर सकते हैं भैया, आपको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज का परफॉर्मेंस और थॉट सुपर से बहुत बहुत ऊपर वाला है। थैंक यू। अक्षित ब्यूटीफुल बच्चे। एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए। जब किसी एक्ट को पहले से बिठाया गया है और फिर उसे लास्ट मिनट चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, और फिर भी एक बीट नहीं मिस किया आपने अक्षित, क्या बात है। आपके लिए मैं खड़े होके अरे सर ये कैमरा कहाँ पे रखूं? अजय एक काम कर, इसको पुराने वाले कैमरे के साथ रख दे। अरे सर कैसे हो? आपको पता है आज मैं जीतू जी का एक आंख मारू का रिमिक्स शूट करके आया हूँ अपने नए टेक्नोलॉजी से। अच्छा, इसका ओरिजिनल वर्जन तो हमने शूट किया था, तब उसकी बात और उसका फील ही कुछ अलग था। वाह क्या बात है। तो एक काम करते हैं, आपका फील और हमारी नई टेक्नोलॉजी इन दोनों को मिलाकर फिर से शूट करते हैं। एक आंख मारो तो। अरे सर आप नए कैमरे के टेक्नोलॉजी शूट करो या फिर पुराने कैमरे के फील से,
जब सामने जितनी जैसे एवरग्रीन एक्टर हो तो गाना तो सुपर हिट होगा ही ना। दोनों आंखें मारू तो छोरी पट जाए, छोरी पट जाए। ओह माय गॉड, ये जब भी एक आइटम देखता हूँ मुझे लगता है ये क्लाइमेक्स है, इसके ऊपर क्या आएगा। दूसरा आता वो उसके ऊपर जड़ जाता है, फिर तीसरा आता वो उसके ऊपर। I don't know which is good, which is bad. इतना confused कर दिया है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या जज करूँ। ये लोग बेचारे लोग क्या करेंगे, नहीं सर, हम भी कैसे मार्क्स देंगे, क्या क्या बोलेंगे, क्या एडजेक्टिव्स यूज करेंगे। What coordination? क्या सिंक किया है। और एक दूसरे को देखते भी नहीं हो, कमाल है। कितना रिहर्सल किया होगा, कितनी मेहनत की होगी। मम्मी, स्कूल में हमें दादाजी के ऊपर ऐसे लिखने के बोला है, पर मैं तो दादाजी से एक ही बार मिला हूँ, क्या मैं दादाजी से एक और बार मिल सकता हूँ? नहीं बेटा, आप दादाजी से मिल तो नहीं सकते, पर आपके दादाजी हमेशा एक बात कहते थे, भले ही वो आपके पास ना रहे पर हमेशा आपके साथ रहेंगे। मतलब मैं जहाँ भी रहूँगा दादाजी मेरे साथ रहेंगे? हाँ बेटा। मैं जहाँ रहूँ मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। बस जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूँ, दादाजी आप मेरी यादों में ही नहीं मेरे एहसास में ही मेरे साथ हैं। कहीं तो दिल में यादों की एक सूली जड़ जाती है, कहीं हर एक तस्वीर मौत ही धुंधली पड़ जाती। दादाजी मुझे पता है कि आप मुझसे दूर उन सितारों में चले गए हो, पर आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। आई लव यू दादाजी, आई मिस यू दादाजी।
जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूँ तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ के नहीं कहूँ ये जो दिल और सैनिक कैसे किया आपने इस एक्ट को? आई जस्ट ये एक्ट क्रोमा की है मैम, लाइव क्रोमा की होती है। जब पे क्रोमा ग्रीन क्रीक नहीं दिखते, मतलब जो भी मैं अगर पूरा शर्ट था पूरा ग्रीन से, तो बेसिकली जितने भी यहाँ पर मेरे प्लेसमेंट्स रखे थे, प्रॉप्स रखे थे, सारे ग्रीन क्रोमा में किया था। समझ के बाहर हो रहा है कि मैं अपने इमोशंस समझा नहीं पा रही हूँ लोगों को, तो ये प्रभाव था आपके एक्ट का। तो आई जस्ट वांट टू स्टैंड अप एंड से रियली वेल डन विवेक, कोरियोग्राफिकली ब्रिलियंट। थैंक यू। आप मैजिक लेकर आते हो यहाँ पे स्टेज पे। अक्षित सो ब्यूटिफुली डन, सो ब्रिलियंटली इमोटेड। दादाजी आप मेरी यादों में ही नहीं मेरे एहसास में मेरे साथ हैं। मैं जहां रहूं। आई थिंक ये ऐसा पहला एक्ट है जो आपके ना होते हुए भी ही वॉज इनफ। मेरे लिए ये एक्ट सुपर से बहुत 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 ऊपर वाला था। थैंक यू। सीढ़ी तो बनता है यार। तुम अभी जो आए कभी ऑनर से रास्ता बोले बगल आगे हो तू पीछे जहां तुझसे ही है डांस का कल। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.